नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर के हुटकेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको दिल्ली की निर्भया कांड की याद दिला देगी। जी हाँ, एक दंपत्ति हैदराबाद से एक लड़की को खरीद कर लाते हैं। जब खरीद कर लाते हैं तो उस लड़की की उम्र 3 वर्ष की होती है। फिलहाल उस लड़की की उम्र 9 वर्ष की है, यानी कि लगभग 5-6 साल पहले उस लड़की को खरीद कर लाते हैं। अभी उस लड़की की उम्र 9 वर्ष की है और इसमें दिल दहलाने वाली बात यह है कि उस लड़की के साथ में जिस तरीके से शोषण किया जा रहा था वो अपने आप में कई सवाल उत्पन्न करते हैं। जैसे उस लड़की के बॉडी पे ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां उस लड़की के शरीर के ऊपर जले हुए चटके ना हो। जैसे कि जो जानकारियां सामने आई हैं पड़ोस से कि गर्म तवे से उसके बॉडी पे चटके देना, चाकू को गर्म करके चटके देना, जलती हुई सिगरेट से चटके देना, और ऐसा कोई पार्ट नहीं था बॉडी का जो उस 9 साल की बच्ची के शरीर को जला हुआ ना दिखाए। दोस्तों, ना जाने कितने सालों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था और उस लड़की को अकेले घर पे छोड़ के 10-10 दिन तक वो लोग चले जाते थे और ऐसी कई तरह के अपराध उनके साथ में किया जाता था जो शायद हम अपने कैमरे के सामने बयां नहीं कर पाएंगे। आप इस घटना को जरूर देखिए क्योंकि ये घटना बहुत सारे सवाल उत्पन्न करती है और आपकी आंखें भी नम कर सकती है। हम इस वक्त अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ बेसा अथर्व नगरी 3 के बंगला नंबर 19 पे हैं। बंगला नंबर 19 की वो दर्दनाक कहानी जो यहाँ के रहने में पड़ोस के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बताया और उनसे हमारी बातचीत हुई। फिर ये मामला खुलकर कैसे सामने आया? कि खुलकर इसीलिए सामने आया क्योंकि ये लोग इस बच्ची को छोड़ के एक बाथरूम में बंद करके चले गए। हाँ, और बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी और जो ग्रिल का डोर है और जो लकड़ी का डोर है दोनों उन्होंने बाहर से बंद कर दिए। तो ये बच्ची लगातार 2-3 दिन तक अंदर से बाथरूम के डोर को हिलाती रही जिससे वो जो कुंडी थी वो बाहर आ गई और ये बच्ची बाहर आई है। और ये जो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इनकी खिड़की में जितना छोटा सा गैप है उस गैप में से ये बच्ची निकली है। जैसा आप बोल रहे हैं कि उसको बाथरूम में बंद रखे थे, बाथरूम में फिर उसका खाना पीना सारी पानी कैसे चल रहा था? उसको बाथरूम में बंद रखते थे, उसका बाथरूम ही घर था और नीचे कोई मैट नहीं, चटाई नहीं, गद्दा नहीं, कुछ नहीं। और उसको बाथरूम के बाहर सिर्फ काम के लिए वो लोग निकालते थे कि घर का काम करती थी, बाकी वापस उसको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया जाता था और अंदर ही ब्रेड के पैकेट, चिप्स के पैकेट और बिस्किट के पैकेट अंदर ही डाल दिया करते थे वो लोग। अच्छा, कभी वो बाहर निकलती होगी या कभी इतने सालों में आपकी अभी उससे बातचीत हुई, कुछ कभी इंट्रैक्शन हुआ? हाँ, 1.5-2 साल पहले ये बच्ची एक बार और आई थी और हालांकि यहाँ काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उसको खेलने के लिए उस बच्ची के साथ मना करते थे कि भाई तुम अपने बच्चों को मना करते थे कि उस बच्ची के साथ में मत खेलना क्योंकि वो बच्ची अनटाइडी रहती थी थोड़ी, मतलब उसकी फैमिली थोड़ी फिशी थी तो लोग इजीली अपने बच्चों को उसके साथ में घुलने मिलने नहीं देते थे, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को कभी नहीं मना करा। किस तारीख में इसमें क्या हुआ, कैसे मामला सामने आया? ये 30 तारीख का मैटर था। 30 तारीख को ये बच्ची आई बाहर, कैसे तैसे तो भी बेचारी बाहर आई और फिर हमारी सोसाइटी की एक ग्रॉसरी शॉप है वहाँ से इसने चॉकलेट्स लिए और ये मेरे घर की तरफ मुझे आती दिखी ये बच्ची। तो मैंने इससे पूछा कि भाई अरे सबा इतने दिन बाद बेटा, तो इतने दिन बाद दिखी, तू कहाँ थी? तो ये बच्ची ने ये बात बोली कि भाई आंटी मैं आप ही के घर की तरफ आ रही थी, मेरे दोनों बच्चों का नाम लेते हुए बोला, उनके लिए चॉकलेट्स लेके। फिर ये बच्ची मेरे घर में खेली, मेरे घर में खाई, रात भर इसको मैंने मेरे ही घर में सुलाया मेरे बच्चे के। जब आपने रात भर उसको सुलाया तब आपको दिखा क्या उसके बॉडी के जो? और ये बच्ची हिजाब पहनी हुई थी। नहीं, रात भर ये बच्ची को मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी लेकिन वो जैसा एक मिट्टू रहता है कि मिट्टू को सिखाया, हाँ उसका माइंडसेट इतना उसको सिखा के रखा हुआ था कि वो बैड साइड अपने लाइफ का बता ही नहीं रही थी, लगे तो वो झूठा झूठी अच्छाई बता रही थी वो बच्ची, लेकिन वो बैड साइड नहीं बता रही थी। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए ये रहा कि इस बच्ची से मैं निकलवाऊँ कि भाई तुम्हारे साथ में क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। फिर इस बच्ची ने धीरे धीरे मुझसे कंफर्टेबल हुई ये बच्ची और फिर इसने धीरे धीरे सारी बातें बताई। हुटकेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची झालेली घटना समोर आलेली आहे। त्या घराच्या समोरच राहणाऱ्या एका जागरूक महिलेने पोलीस तिची सुटका करून त्या डांबून ठेव तिला घरात डांबून ठेवलेलं होतं, त्या डांबून ठेवलेल्या घरातून तिची सुटका करून पोलीस स्टेशनला येऊन दिलेल्या फिर्यादीवरून हुडकेश्वर पोलीस ठाणे नागपूर शहर येथे गुन्हा दाखल आहे।
त्यात त्या अल्पवयीन मुलीला आरोपींनी खरेदी करून आणलेलं होतं, डांबून ठेवलेलं होतं, तिच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार पण झालेले आहेत, काही तिला इंजुरी पण झालेल्या आहेत, तिला चटके देणे किंवा मारहाण करणे अशा पद्धतीचे प्रकार तिच्यासोबत झालेले आहेत. त्या अनुषंगाने वैद्यकीय चाचणी पण करण्यात येत आहे आणि पुढील तपास पण त्या अनुषंगाने सुरू आहे. आणि आरोपी तिला ते घरात ठेवून ते बाहेर निघून गेलेले होते. त्या अनुषंगाने आरोपींना अटक करण्यासाठी आम्ही त्यांचा शोध घेत आहोत. लवकरच त्यांना आम्ही अटक करू.